आर एस एवरी हमारे एग्रीकल्चर फार्म हाथी जवाहरों की तरफ से आपका अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चबरके के बारे में अपडेट दी थी, चबरका क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलता है और उसका यूज क्या है। अच्छा, आज सेकंड जो मैं यूज़ करता हूँ निज़ाम हजम को बेहतर बनाने के बट वो है स्पार्क लिक्विड। अच्छा, स्पार्क जो है ये बर्ड के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट है। इसके अंदर मुख्य तरह के वाइटामिन भी पाए जाते हैं और ये इम्यून बूस्टर है, बेसिकली इम्यून बूस्टर है और इलेक्ट्रोलाइट का वर्क काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका इसकी डोज क्या है? ये विटाफार्म का प्रोडक्ट है, इसकी जो डोज है वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि महंगा प्रोडक्ट है तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक 1 cc की सिरिंज। उसके अंदर इसके हम ड्रॉप निकाल लेते हैं और बर्ड के मुंह में बहुत ही आहिस्ता से एक ड्रॉप दिया जाता है। अच्छा, जो मेरे फर्स्ट टाइम देखता ठीक होता है, मैं उसको बिल्कुल भी सिरिंज के जरिए नहीं देता। ये बड़ा एक हजार सेकंड का मामला होता है, क्योंकि एक ड्रॉप जो उसकी सांस की नाली में भी जा सकता है और उसको कोई ना कोई मसला खाई जाता है। तो मैं उसका क्या करता हूँ, वाटर डिपॉट जो होता है उसके अंदर इसको हम जो 4 से 5 ड्रॉप ये डाल देते हैं। अब जो बर्ड है वो चौकों भी खाता है, खाना भी खाता है और साथ पानी भी पीता है। जब पानी पीता तो उसके अंदर इतना कुछ ना कुछ जो स्पार्क का स्पार्क लिक्विड जब डला होता है तो उससे ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसको चली जाती है डोज। तो वही बच्चे को जब वो फील कराता है तो उसको भी मिल जाता है। तो हम फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट मुँह में नहीं डालते, लेकिन बाजू का इसका यूज करते ज़्यादा किया जाता है। जब आपका बर्ड बीमार पड़ जाता है तो डायरेक्ट उसके मुँह में 1 से 2 ड्रॉप जो है वो 1 cc क्रीम के साथ दे दी जाते हैं। तो सेकंड मेरा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो स्पार्क लिक्विड है और ये आपको बर्ड वाली शॉप से मिल जाएगा। और कोशिश करें ओरिजिनल स्पार्क को यूज़ करें और किसी परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन ये प्रोडक्ट है और इम्यून बूस्टर है। अब तक के लिए इतना ही।